पर्यावरण की रक्षा और हरियाली के संरक्षण के लिए मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में भी अविभाजित उत्तर प्रदेश की तर्ज पर चिपको आंदोलन की तर्ज पर हरियाली बचाने के लिए आंदोलन हो रहा है। दरअसल इस तरीके की खबरें आने के बाद कि मध्य प्रदेश की सरकार इस इलाके में भोपाल के बीच शहर में माननीय मंत्रियों, सांसदों और विधायकों के लिए बंगले बनाने जा रही है, जिसके चलते तकरीबन 29,000 से ज्यादा पेड़ काटे जाएंगे। ये खबर सामने आते ही तमाम जो रहवासी हैं, तस्वीरों में देख सकते हैं आप किस तरीके से पेड़ों से चिपक कर यहाँ पर खड़े हुए हैं। तमाम दृश्यों में आप देखेंगे विरोध लगातार जारी है। तकरीबन खबरें आई थी 3,000 करोड़ के इस प्रोजेक्ट में 3,000 से ज्यादा ये बंगले बनने हैं, G+15, G+17 इस तरीके की इमारतें खड़े होंगी। जैसे ही ये खबर सामने आई, तमाम जो लोग हैं वो विरोध में उतर आए हैं। हालांकि जो मुख्यमंत्री हैं वो पूरी तरीके से इन खबरों पर कहते हैं अभी ये योजना आगे बढ़ी नहीं है, पर्यावरण को लेकर वो गंभीर हैं, पेड़ों को अव्वल तो कटने नहीं देंगे और अगर जरूरत पड़ी तो शिफ्टिंग करेंगे, लेकिन तब तक ये तमाम महिलाएं यहाँ पर इसी तरीके से पेड़ों से चिपकी दिखाई दे रही हैं। 60 से 70 साल पुराने ये पेड़ हैं और हम कुछ बहनें यहाँ पर खड़ी भी हैं, बच्चों से चिपटते हैं ऐसे आप पेड़ों से। तो बच्चों की तरह लगाए हैं पेड़ों को, तो उसका बच्चों की तरह ही ध्यान रखना पड़ेगा। अगर अपने बच्चों को ही ले जाए तो अपनों कैसा लगेगा। हमारे सास ससुर ने ये पेड़ पौधे लगाए हैं, हम तो शादी करके यही आए, हमको 30-35 साल यही हो गए हैं। और अचानक से सरकार कहती है कि यहाँ से इनको हटाया जाए, ये हरियाली हटा देंगे तो गर्मी का माहौल कितना हो जाएगा। अगर भेजना है तो विधायक मंत्रियों को भेजो कलखेड़ी, हमें क्यों भेजा जा रहा है। हम नहीं जाएंगे यहाँ से, भले कुछ भी हो जाए हम पेड़ों से नहीं हटने देंगे। हमने बच्चों जैसा इनको पाला है, हमारे बड़े बुजुर्गों ने इनको पाला है, लगाए हैं पेड़ पौधे। एक तरफ बोलते हैं वृक्षारोपण करो, एक तरफ बोलते हैं पेड़ काटो। ये कितना इस बार गर्मी देखिए आप कितनी पड़ी है, तो पेड़ पौधे तो नहीं कटने देंगे। और शिवाजी नगर में सबसे ज्यादा पेड़ों की संख्या है, लाखों से पेड़। महिलाओं के साथ यहाँ पर क्षेत्रीय पार्षद भी मौजूद हैं, हम उनसे बात करने की भी कोशिश करेंगे। हालांकि सरकार तो कह रही है बहुत जल्दी है, योजना आगे बढ़ नहीं बढ़ी है, सिर्फ अखबारों की खबर है। आप देखिए स्मार्ट सिटी भी पहले से ही लाई गई थी, तब भी हम तक आ गया था कि ये हमें अभी कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, और हम पे लाकर सीधी स्मार्ट सिटी थोपी थी। उस समय स्मार्ट सिटी का विरोध हम ही लोगों ने सबने मिलकर किया था और स्मार्ट सिटी यहाँ से ट्रांसफर हुई थी। हमारा सरकार से माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि आप पे 342 एकड़ जमीन स्मार्ट सिटी की पड़ी हुई है खाली, सेंट्रल गवर्नमेंट ने पैसे दे बना कर दिया है, आप वहाँ बनाइए ना, वहाँ पर साउथ ईटी नगर में और नॉर्थ ईटी नगर में जितने आपको विधायकों मकान बनाने हैं, मंत्री बनाने, बंगले बनाइए। लेकिन ये हरा भरा एरिया है, यहाँ 12% गिनती बची है भोपाल में, जिसका 4% हिस्सा शिवाजी तुलसी नगर में। अगर आप वो गिनती खत्म कर देंगे तो फिर तापमान कहाँ जाएगा। इस बार हम 48 डिग्री तापमान पे थे, अगली बार ये तापमान 50 ऊपर पहुंच जाएगा, पेड़ कट जाएंगे। इतना हरा भरा ग्रीनरी एरिया है, ये ऑक्सीजन के सिलेंडर है। माननीय मुख्यमंत्री से हमारा निवेदन है कि कृपया मेहरबानी करें और ये ग्रीनरी को ना काटें। तकरीबन कितने पेड़ हैं अगर ये पूरे इलाके में देखें? मैडम बुच ने गिनती कराई थी तो यहाँ पर 60,645 पेड़ों की गिनती हुई थी, सरकार कह रही 29,000 पेड़ हैं, हमारी गिनती के हिसाब से 60,645 पेड़ हैं यहाँ पर। तो इसी तरीके का विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है और ये पहला प्रदर्शन नहीं है जो इस तरीके का हो रहा है। 2014 में भी हमने देखा सेव आरे के नाम से मुंबई में कटते पेड़ों को बचाने के लिए मुहिम शुरू हुई और जो 1973 में चिपको आंदोलन इसीलिए हुआ। और तस्वीरें यही बता रही हैं खबरों के मुताबिक, सरकार जो ये मानकर चल रहे हैं कि जल्द ही माननीय मंत्री, विधायकों और सांसदों के लिए ये तमाम जो घर हैं उसे काटेंगे और यहाँ पर जो है वो बड़े मंत्रियों के बंगले बनाएंगे, लेकिन तब तक विरोध प्रदर्शन तमाम जारी है। माना जा रहा है तकरीबन 3,000 से ज्यादा सरकारी बंगलों को और मकानों को यहाँ पर तोड़ा जाएगा। 300 एकड़ जमीन पर यहाँ पर तकरीबन 2,500 से 3,000 करोड़ का ये पूरा प्रोजेक्ट है, जिसे मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि ये अभी जल्दी है और पर्यावरण संरक्षण के लिए सरकार गंभीर है और किसी भी तरीके से पेड़ों को कटने नहीं देगी, जरूरत पड़ेगी तो पेड़ों को शिफ्ट किया जाएगा। कैमरा पर्सन प्रदीप त्रिवेदी के साथ अनुराग अमिताभ, इंडिया टीवी, भोपाल।